ये मजदूर का हाथ है कातिया, लोहा पिघला कर उसका आकार बदल देता है। तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख, तारीख पर तारीख मिलती रही है, लेकिन इंसाफ नहीं मिला मिलोड। अगर सातो एक पाप के है तो रख, नहीं तो कसम गंगा मैया की, घर में घुस कर मारूंगा, सातो को सात मारूंगा, एक सात मारूंगा। बस एक नजर उसको देखा, दिल में उसकी तस्वीर। दोस्तों सनी देओल आ गए हैं एक बार फिर अपनी सीक्वल मूवी को लेकर, जो कि रहेगी गदर 2। दोस्तों आपको बता दें, गदर 2 की रिलीजिंग की वजह से ये बहुत ही ज्यादा एक्साइटेड है, जिसकी वजह से इन्होंने अभी से ही प्रमोशन शुरू भी कर दिया है। आपको बता दें, गदर 2 मूवी अगस्त 2023 के अंदर रिलीज होगी, जिसकी वजह से थिएटर्स के अंदर काफी ज्यादा गर्म माहौल भी देखने के लिए मिलेगा। दोस्तों अगर हम बात करें सनी देओल की, तो 80 के दशक के ये एक्शन एक्टर रह चुके हैं, लोग इनकी आवाज और इनके डायलॉग को हमेशा कॉपी करते हुए नजर आते हैं। सनी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कई फिल्मों के अंदर काम किया है और लगभग उनकी सभी हिट भी रही हैं। दर्शक आज भी उनकी फिल्मों के रीप्ले कर उनको बहुत ज्यादा देखना पसंद भी करते हैं। सनी देओल अपने एक्शन, अपनी आवाज, अपने डायलॉग और गुस्सा स्वभाव की वजह से फिल्मों के अंदर, बॉलीवुड के अंदर काफी ज्यादा पहचाने जाते हैं। दोस्तों शुरुआत करें सनी देओल की जीवनी से, तो सनी देओल का असली नाम अजय सिंह देओल है, लेकिन फिल्म इंडस्ट्री में आने के बाद उन्होंने अपना नाम सनी देओल रख लिया और इसी नाम से अब उन्हें पहचाना भी जाता है। सनी देओल का जन्म जाट परिवार के अंदर 29 अक्टूबर को 1957 के अंदर हुआ। सनी देओल की उम्र वर्तमान में 66 साल की है और इनकी लंबाई 5 फीट 9 इंच की है। दोस्तों बात करें इनके परिवार की, तो सनी देओल के परिवार का फिल्म इंडस्ट्री से गहरा नाता रहा है। सनी देओल के पिताजी का नाम धर्मेंद्र सिंह है, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के एक जबरदस्त लेजेंड अभिनेता रह चुके हैं, जिन्हें बॉलीवुड की कई सुपरहिट फिल्मों के अंदर काम करने की वजह से और उनकी एक्टिंग की तारीफ करने की वजह से उन्हें पहचाना जाता है। वहीं अगर हम बात करें सनी देओल की माताजी की, तो उनका नाम प्रकाश कौर है। सनी देओल की सौतेली माँ का नाम हेमा मालिनी है, जो बॉलीवुड इंडस्ट्री की प्रसिद्ध अभिनेत्री रह चुकी है। इसके अलावा दोस्तों सनी देओल के भाई बॉबी देओल, जो कि बॉलीवुड इंडस्ट्री के जाने माने अभिनेता है। दोस्तों इसके अलावा बात करें तो सनी देओल की 4 बहनें हैं, जिनमें उनकी खुद की 2 बहनें हैं, जिनका नाम विजेता और अजीता है। इसके अलावा उनकी 2 सौतेली बहनें हैं, जिसका नाम ईशा देओल और अभान देओल है। दोस्तों सनी देओल की पर्सनल लाइफ की बात करें, तो सनी देओल का विवाह हो चुका है। उनका विवाह 28 साल की उम्र में 1984 में पूजा देओल से हुआ था। सनी देओल के 2 बेटे भी हैं, जिनका नाम करण देओल और राजीव देओल है, जो कि दोनों ही बॉलीवुड एक्ट्रेस हैं। दोस्तों बात करें सनी देओल के शुरुआती करियर की, तो सनी देओल के पिता जी धर्मेंद्र जी बॉलीवुड इंडस्ट्री से गहरा नाता जरूर रखते थे, लेकिन सनी देओल ने बॉलीवुड इंडस्ट्री में कदम अपनी मेहनत और अपने टैलेंट के दम पर ही रखा। सनी देओल ने अपनी कॉलेज की शिक्षा पूरी करने के बाद फिल्म इंडस्ट्री के अंदर हाथ अपना जमाया, जहां पर उन्हें अपने करियर की शुरुआत बतौर फिल्मी डायरेक्टर से की थी। इस फिल्म में उन्होंने छोटे भाई बॉबी देओल के साथ काम किया था, जो कि 1988 के अंदर फिल्म आई थी दिल लगी। दोस्तों इसके बाद सनी देओल को बतौर एक्टर 1983 में बेताब फिल्म के अंदर काम करने का मौका मिला। ये फिल्म सुपरहिट भी साबित हुई। इस फिल्म के अंदर सनी देओल ने अमृता सिंह के साथ कार्य करने को मिला। इसके बाद दोस्तों उनकी शानदार एक्टिंग और लाजवाब आवाज की वजह से उनको एक के बाद एक फिल्म मिलती गई, जिसकी वजह से वो लोगों के दिलों पर छा गए। इसके बाद दोस्तों इनकी एक मूवी आई 1990 में, जो कि घायल फिल्म थी। इस फिल्म के अंदर जब इनको काम करने का मौका मिला, तो बॉक्स ऑफिस पर ये फिल्म काफी ज्यादा सुपरहिट साबित हुई। इसके बाद सनी देओल को लगातार कई फिल्मों के अंदर काम करने का मौका मिला, जो कि काफी ज्यादा सुपरहिट भी साबित हुई, जैसे कि इम्तिहान, जिद्दी, गदर, इंडियन और यमला पगला दीवाना। दोस्तों बात करें सनी देओल की नेटवर्थ की, तो 2022 के तहत उनकी नेटवर्थ $16 मिलियन है, जो कि इंडियन रुपए के अंदर 120 करोड़ के बराबर है। इसके अलावा हम बात करें उनके सालाना इनकम की, तो वो 12 करोड़ रुपए रहेगी, जो कि अपनी मूवीज, प्रोडक्शन हाउस और पेड प्रमोशन के द्वारा वो कमाई करते हैं। तो दोस्तों ये थी सनी देओल की जीवनी, आपको ये कैसी लगी ये कमेंट करके हमें जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।